नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि इस बार मैं फिर टमाटर का खेती करने जा रहा हूं। तो एक सीड आता है सेजेंटा का साव 3251, तो उसका सीड मैंने पता किया तो हमारे क्षेत्र में तो वह सीड नहीं मिल रहा है दुकान पर, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन से मंगाया है। यह मुझे 1100 रुपये का पड़ा है। इसमें 3500 बीज है और 7.7 ग्राम का यह है। तो इसी का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पैकेट, और इसके अगले वीडियो में हम इसका नर्सरी तैयार करेंगे। देखिए, इस समय यह मई का महीना चल रहा है। अगर मैं इस समय इसका नर्सरी तैयार कर रहा हूँ और अगर कामयाब हो गया तो यह जिस समय निकलेगा उस समय टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे मान लीजिए यह मई चल रहा है, मई से जून जुलाई अगस्त, मतलब अगस्त सितंबर तक अगर यह फल देने लगा तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगा। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में देखिए, अगर रिस्क नहीं आप लेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। समझ में आ गया? जैसे इसका सही समय तो अगस्त होता है, 15 अगस्त के बाद में इसका नर्सरी तैयार किया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा आगे ही एक प्रयोग कर रहा हूँ। अगर यह कामयाब हो जाता है तो टमाटर की खेती से मैं बढ़िया पैसा कमा लूँगा। तो इसका नर्सरी अब ऐसे हम ओपन में तो नहीं जैसे इसका तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे एक जुगाड़ बनाना होगा। वो सब आपको आने वाले वीडियो में अब देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? पिछले बार जो मैंने खेती किया था बहुत ज़्यादा 15 से 20 क्विंटल तक मैंने टमाटर सेल किया, लेकिन रेट के वजह से प्रॉफिट नहीं ज़्यादा हुआ। तो इसलिए मैं इस बार उससे भी ज़्यादा खेती करूँगा, उससे भी ज़्यादा पौधा लगाऊँगा, और इस बार उम्मीद है कि प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखिए, किसानी में यही होता है कि एक बार सभी लोग एक ही प्रोडक्ट लगा देंगे, जैसे टमाटर हुआ तो टमाटर ही लगा देंगे, तो उस बार रेट कम हो जाता है, और उसके अगले बार रेट कम होने की वजह से अगले बार वो नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए हाई हो जाता है। इसीलिए आप कोई भी काम करें लगातार करें। समझ में आ गया? मतलब एक बार अगर रेट आपको डाउन हो जाता है, नहीं कामयाब हुए, तो आप अगली बार फिर वही करिए, तब आप कामयाब होंगे। तो मैं देखिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेता हूँ और रिस्क लेना भी चाहिए। तो आप चलिए, अगले वीडियो में आपको मैं इसका नर्सरी तैयार करके दिखाऊंगा कि इसके हम कैसे इसका नर्सरी डालेंगे और यह कितने दिन में तैयार होगा, उसके बाद हम कैसे खेत में लगाएंगे, ये सब आपको अब देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।